डॉक्टर साहब, एक काफ़ी समय से हम सुन रहे हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानी धान सघनीकरण पद्धति। ये पद्धति क्या है और इसमें सुना है बहुत पानी की बचत भी होती है और जो किसान की लागत जो है वो बहुत कम हो जाती है। श्री सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन या धान सघनता पद्धति कहते हैं, जो दक्षिणी भारत में अधिक प्रचलित है, लेकिन उत्तरी भारत में भी कुछ किसान इसको अपना रहे हैं। इसके लिए हमें एक स्थान पर एक ही पौध लगानी पड़ती है और वर्गाकार रूप में हम पौध लगाते हैं 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर में, और इसमें खरपतवार प्रबंधन के लिए हम कोनो वीडर का प्रयोग करते हैं। कोनो वीडर एक मशीन होती है जो खरपतवारों को नष्ट करती है और उन्हें नष्ट करके मिट्टी में मिला देती है। और साथ ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कम उम्र की पौध लगानी पड़ती है, जो 14 दिन से कम की होनी चाहिए। और इसमें नर्सरी तैयार करने में विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसमें लगभग आधी मात्रा गोबर की और आधी मात्रा मिट्टी की लेके और दोनों को मिला के जो हमारी मिट्टी है उसकी सतह पर रखते हैं और बीज को उसी तरीके से तैयार करते हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने, और इसकी बुआई कर देते हैं। हमारा जो परीक्षण किए हमने उसके आधार पर हमने पाया है कि पैदावार तो इसकी जो प्रचलित पत्ती है धान की उसके बराबर आती है, लेकिन पानी की ज़रूर इसमें बचत होती है, जो कि करीब 25 से 30% तक पानी बच जाता है।